हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं न्यूज वाल इंडिया और आज मैं आपसे हिंदी हॉरर फिल्मों की बात करूं तो सुदेश बेरी की मोहिनी के बाद जो सबसे डरावनी खौफनाक फिल्म आई थी वो थी वीराना। ये फिल्म 6 मई 1988 में रिलीज की गई थी। इस खौफनाक फिल्म को रामसे ब्रदर ने प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि महज 15 लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने लगभग 10 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया था। हालांकि इस फिल्म के सफल होने के बावजूद भी इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस के करियर को ग्रहण सा लग गया। इस फिल्म में मुख्य अदाकारा जैस्मीन बला की खूबसूरत दिखाई दी थी। जैस्मीन इकलौती ऐसी भूत या चुड़ैल थी लोग जिससे डरे कम और जिसके नाम पर आहें ज्यादा भरी। इसकी वजह थी रामसे ब्रदर्स के कैमरे का कमाल। साल 1978 में सरकारी मेहमान और 1984 में डायवोर्स के बाद जैस्मीन ने वीराना की, लेकिन इस फिल्म को करने के बाद से ही वो गायब हो गई। लेकिन लोग इंटरनेट पर जैस्मीन की नाकाम तलाश जारी रखे हुए हैं। कोई उनका पूरा नाम पूछता है तो कोई असली नाम। इंडस्ट्री में भी किसी को उनके बारे में पक्के तौर पर नहीं पता, लेकिन सोशल मीडिया के अनुसार जैस्मीन को लेकर ये थ्योरी है कि वो यूके में अपने बच्चों के साथ रहती हैं। उसके अलावा इस फिल्म के मुख्य हीरो हेमंत बिर्जे का भी करियर वीराना के सफल होने के बाद भी कुछ खास नहीं चल सका। लेकिन इस फिल्म के दूसरे कलाकार गुलशन ग्रोवर और सतीश शाह को इससे काफी अच्छा एक्सपोजर मिला और दोनों ने अपने करियर को बुलंदी पर पहुंचाया। लेकिन जो हैरान कर देने वाली बात है वो ये है कि इस फिल्म की कहानी मनगढ़ंत ना होकर एक सच्ची घटना पर आधारित है और ये घटना किसी और के साथ नहीं बल्कि फिल्म के डायरेक्टर श्याम रामसे के साथ घटित हुई थी। कहा जाता है कि 1983 में फिल्म पुराना मंदिर का पूरा क्रू फिल्म की शूटिंग खत्म कर चुका था और सभी वापस मुंबई के लिए रवाना हो चुके थे, लेकिन फिल्म के डायरेक्टर श्याम रामसे ने वहीं रुकने का फैसला किया, जिसके बाद रात में श्याम अकेले ही मुंबई के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन उस समय हाईवे बहुत ज्यादा सुनसान था और उस सुनसान रास्ते पर ना जाने कहां से काले लिबास में एक औरत आ गई और श्याम को लिफ्ट के लिए इशारा किया। श्याम रामसे को लगा कि औरत अकेले इस सुनसान रास्ते में कहां भटकेगी, इसलिए श्याम ने उसे गाड़ी में बैठा लिया। वो औरत खूबसूरत लग रही थी, श्याम रामसे ने इसलिए उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। करीब आधा घंटा हो चला, श्याम रामसे को कुछ अजीब लगने लगा, जिसके बाद अचानक उनकी नजर उस औरत के पैरों पर पड़ी जो कि उल्टे थे। जिसके बाद वो घबरा गए और जोर से ब्रेक लगा दिया और अचानक वो औरत गाड़ी से उतर गई और बस यही घटना फिल्म वीराना की प्रेरणा बनी और इस घटना से लगभग 5 साल बाद वीराना रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बता दें कि रामसे ब्रदर्स ने हिंदी हॉरर फिल्मों में अपनी थाप जमाई हुई जो कि आज भी कायम है। रामसे ब्रदर्स ने कई हिंदी हॉरर शो भी दिए जिनमें से कई ऐसे थे जो बेहद डरावने थे। जी हॉरर शो उनमें से एक था जिसे बीच में ही बंद करना पड़ा था। हालांकि बाद में इसे अनहोनी के नाम से दोबारा लाया गया। ये वीराना फिल्म ऐसी थी जिसने लोगों को खूब डराया और अगर आपने फिल्म नहीं देखी तो जरूर देखें। हमारा ये पहला हॉरर वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर लाइक करना ना भूलें।